कोर्ट के आदेश, समान काम समान वेतन के बाद भी हरियाणा को दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। सरकार शहर और गांव में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है, जिसको लेकर पलवल लघु सचिवालय पर गांव में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और वृद्धि को लेकर धरना दिया हुआ है। इसे समर्थन देने के लिए बसपा नेता मनधीर सिंह मान पहुंचे और कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि बसपा पार्टी सभी कर्मचारियों के साथ है। बसपा नेता मनधीर सिंह मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समान काम समान वेतन की बात सरकार करती है तो फिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कर्मचारियों ने तो शहर के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जा रहा है और ना ही उन्हें वर्दी दी जा रही है। आज सरकार ने कर्मचारियों के तन की वर्दी भी उतार दी। इसलिए मान ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सरकार ने कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की तो उनकी पार्टी मैदान में उतरेगी और कर्मचारियों को हक दिलवाने के लिए प्रदर्शन भी करेगी। देखो, एक कर्मचारियों के साथ जो सरकार ने इनके साथ किया है वो सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्दियों के पैसे भी जब कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहे हैं, सर्दियों का दौर आ रहा, ठंड बढ़ती जा रही है, आज सर्दियों के दौर में भी जब कर्मचारियों को वर्दियों के पैसे नहीं दिए जाएंगे तो ये कैसे काम कर पाएंगे? सरकार के लिए हर कोई कर्मचारी मेहनत करना चाहता है, लेकिन सरकार उनकी सुननी चाहिए सरकार को। तो मैं इनके दुख में और हर इंसान के उसके दुख में साथ हूँ जिनके साथ सरकार द्वारा कोई भी विरोध हो, सरकार द्वारा कोई भी कुनीतियाँ हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए, आम इंसान के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कर्मचारी नेता की माने तो शहर के कर्मचारियों को 15,000 रुपए महीना वेतन दिया जाता है तो वहीं गांव के सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जबकि दोनों कर्मचारियों का काम बराबर है। शहर के कर्मचारियों को इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं और गाँव के कर्मचारियों को वर्दी तक भी नहीं दी जाती। दिक्कतें ये हैं कि नगर पालिका में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, नगर निगम में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 15,000 और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 10,000। उनको साल में दो बार डीए मिलता है और इंक्रीमेंट मिलता है। इसमें हुड्डा सरकार के ये 10,000 फिक्स हैं, आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं बढ़ाया। सेकेंड बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, समान काम समान वेतन होना चाहिए। तो जो काम जो शहर के लोग करते हैं वही गांव के लोग करते हैं, लेकिन गांव के लोगों की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।